Thank you. Enjoy. This है ब्लैक राइस. हाँ. Sami women weave dreams on their looms. Mahatma Gandhi. Kiva. हेलो गाइज, गुड इवनिंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग. और आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे. तो गाइज आप लोगों को पता है कि हम आए हैं दिल्ली इंडियन ट्रेड फेयर 2023 में. और कल हमने आपको दिखाया था उत्तराखंड पवेलियन. और ऐसे यहाँ पे जितने भी भारत देश के स्टेट हैं सबके यहाँ पे पवेलियन लगे हुए हैं. तो आज हम ले जाएंगे आपको असम, बिकॉज हमने आज आसामी गमछा पहनाया है. तो आज आपको असम पवेलियन दिखाते हैं. तो फिलहाल चलते हैं गाइज़. तो गाइज ये है असम पवेलियन. और यू कैन सी गाइज व्हाट इज दिस. दिस इज कामाख्या देवी मंदिर. एंड चेक दिस आउट. वाओ यार. एंड आज देखना आप क्या रिएक्शन रहते हैं हमारे, क्योंकि हम हैं उत्तराखंडी और हमने पहना हुआ आसामी गम. गाइज यहाँ पर एक स्टॉल लगाया है ईशा टी. ये देखते हैं ज़रा क्या बोलते हैं. चलें. तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ऑर्गेनिक. ये कलर आदत पड़ेगी. अब इसका कलर देखना ना, इसका कलर पहले पी का तसल्ली करना. फिर मैं आपको क्या है आपके ओके ऑयल हेयर टॉनिक पाउडर. अच्छा ये सारे सोप हैं. ओके गाइस ये है केयास ब्लैक राइस. ब्लैक राइस हमने तो हमारे स्टॉल में है रेड राइस, तो यहाँ पे मिलेंगे आपको ब्लैक राइस. हमारा नॉर्थ ईस्ट का है ब्लैक राइस. कामाख्या देवी. हाँ जी. हम गुवाहाटी से ही है. हाँ जी. और वही ब्लैक राइस से सारा चीज़ बनाया मैंने. लगभग 75 to 80 प्रोडक्ट्स बनाए ब्लैक राइस से. ओके. माय बुक्स 3 किताब भी लिख चुकी है. अच्छा ये सब ब्लैक राइस है. हाँ, ये ब्लैक राइस है. ये ब्लैक राइस का टेस्ट कैसा होता है मैम? इसका टेस्ट अच्छा ही है, बहुत अच्छा है. ये ब्लैक राइस का चॉकलेट का टेस्ट है. ये टेस्ट करने के लिए कैसा है? बहुत बढ़िया. ये मेरा ब्लैक राइस चॉकलेट है. ये बहुत ज़्यादा है. ये अभी थोड़ा ही बचा है. क्या प्राइस है इसका? ये 350 और ये 100. ये चॉकलेट भी 100. ज़्यादा प्राइस नहीं रखा. हम उधर जो लोकली सेल करते हैं सेम प्राइस ही करेंगे. इधर भी प्राइस. ये मफिन्स ब्लैक राइस का मफिन्स है. ओके ब्लैक राइस मफिन्स. ये चॉकलेट फ्लेवर. तो यू कैन सी गाइज यहाँ पे चॉकलेट है. ब्लैक राइस के चॉकलेट्स. ये भी ऑर्गेनिक टी है. यहाँ पर सेम ही होगा आई थिंक, है ना? ये वाओ ड्यूरी. समी वुमेन वीव ड्रीम्स on their looms. Mahatma Gandhi, Kiva, and this is Juri, and this is missing, and ये I think इनका traditional होगा. Okay, जैसे हमारा traditional है, हमारी पहाड़ी टोपी ये वाली. और हम सदरी भी वगैरह तो यहाँ पर सदरी. हाँ ये भी दिखता है. हालांकि आसाम का ये है. And ऐसे कई सारे stall हैं लगे हुए. गाइज ये है आसामी ज्वेलरी. तो यहाँ पे ऐसे ऐसे डिज़ाइन होते हैं. जैसे हमारे यहाँ साइड से उत्तराखंडी का तिमाना रहता है ना. हाँ यस इनका भी है. क्या हो रहा है मैम? क्या बना रहे हो आप? बास्केट. अच्छा गाइस ये हैंडमेड बास्केट बना रहे हैं. हमारे यहाँ भी तो बनाते हैं ना. अच्छा झिंगा। और ये क्या, ये कौन? तो ये बनाए जा रहे हैं। ये कौन सा गाइस? ये बांस की लकड़ियों से कुछ बना रखे हैं। लाइफ साइकिल ऑफ मूगा। और ये क्या होगा? ये प्रोसेस बनता है। अच्छा, धागे बनने का प्रोसेस है। वाओ, ये है प्रोसेस। वाओ, वेरी गुड। और ये भी है कुछ उनका आसामी ट्रेडिशनल रावा सोनोवाल कांचवी राज। सर मिले हमको आसाम के जोय आया खो। हाँ जी, काफ़ी अच्छा लगता है जब आसाम के लोगों से मिलते हैं हम, क्योंकि हमारी चाहते आसाम से है। ठीक है, बिल्कुल। गुवाहाटी में रहते हैं। यस, वेनेवर यू आर कमिंग टू गुवाहाटी, प्लीज कम टू गुवाहाटी एंड एंजॉय नॉर्थ ईस्ट। थैंक यू। जो आया। यस, ये इनका ट्रेडिशनल ड्रेस है। एंड ये पीछे क्या होगा? आसाम अटायर, ए टेपेस्ट्री ऑफ ट्रेडिशन। ये है आसामी के जियोग्राफिकल इंडिकेशन चीज़ें, जो कि इसमें एक जुदीमा है, काजी मेमू है, मूगा सिल्क है, तेजपुरी लीची, भूका चौल, चोकुवा राइस, मूगा सिल्क, आसाम लोग जोहा राइस। गाइस, ये है आसाम राज्य। गाइस, आपने देखा असम पवेलियन, एंड ये आसामी लैंग्वेज में लिखा है आसाम। मैं तो बस आदमी नहीं, पर ये समझे कि आसामी होगा लिखा हुआ वो लैंग्वेज में। एंड गाइस, हमने कहेंगे आपको सेपरेट स्टेट के आपको पवेलियन दिखाएंगे और नए ब्लॉग बनेंगे इसके। तो आज का तो इतना ही है, आसाम दिखाया आपको। कल हम आपको दिखाएंगे अदर स्टेट का पवेलियन दिखाएंगे आपको, या आपको एक यहाँ पे नीचे फॉरनर वाला पवेलियन भी है, वो भी उसमें कौन से वो है कंट्री? थाईलैंड है, अफगानिस्तान भी है, UAE भी है, बांग्लादेश, हाँ, और भी हैं, पता नहीं है अभी, हमें पता नहीं है गाइस कि कौन कौन से। तो वो आपको दिखेंगे कल वाले ब्लॉग में। तो बने रहिए और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अनिल ब्लॉग। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। जय हो, जय आई अखोम गाइस।